हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो यार हाँ, टाइटल से कंफ्यूज मत होना, मैंने कोई गलत वीडियो नहीं डाली है। मैंने थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है गन्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गेम में नए ज्वाइन होते हैं और उनको गन के अटैचमेंट्स का आइडिया नहीं है और उन लोगों के पास गन स्किन भी नहीं होती है यार। स्टार्टिंग में किसी के पास नहीं होती, तो फिर कौन सी गन उनको यूज़ करनी चाहिए, क्या फ़ायदा मिलेगा किस गन से, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेनली तो हम अभी करंटली गन्स के अटैचमेंट्स के ऊपर, जो स्पेशल अटैचमेंट्स होते हैं उन पे फोकस करेंगे कि उससे हमें क्या एडवांटेज देखने को मिलता है विदाउट अटैचमेंट के, और विद अटैचमेंट के क्या फ़र्क हमें गन के अंदर देखने को मिलता है। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसको ऑल पर सेट कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पे। तो गाइस हाँ, अगर आपके पास गन स्किन नहीं है तो भी आप गेम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तो कैसे कर पाओगे, किस गन से कर पाओगे, तो डोंट वरी यार, तुम्हारा भाई बताने वाला है इस बार को। और यार हर किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है, तो हो सकता है कि आप लोग मेरी बातों से एग्री ना करें, तो आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। तो चलिए चलते हैं सीधे ट्रेनिंग मोड के अंदर, और वहां पर मैं आपको गन्स में थोड़ा कंपैरिजन करके बताऊंगा विद अटैचमेंट और विदाउट अटैचमेंट में। तो हम आगे ट्रेनिंग मोड में देख सकते हो, आप लोग ट्रेनिंग मोड में आ गए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लॉन्ग रेंज की गन से, क्योंकि स्टार्टिंग की जो फाइट्स होती है वो लॉन्ग रेंज फाइट्स ही होती है। तो सबसे पॉपुलर गन लॉन्ग रेंज में वो है M60। यस गाइस, तो हम सबसे पहले M60 लेने वाले हैं। तो मैं M60 जल्दी से इक्विप कर लेता हूँ यहाँ से लेके। तो M60 इसलिए गाइस, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डैमेज अच्छा है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है बट फिर भी उसका डैमेज अच्छा है, उसकी रेंज अच्छी है, रेट ऑफ फायर भी नॉट सो गुड नॉट सो बैड है, मैं तो बोलूँगा अच्छा ही है फिर भी रेट ऑफ फायर भी। तो देख सकते हो मैंने M60 ले ली, और गाइस मैंने कोई भी स्किन इक्विप नहीं कर रखी है, आप लोग देख सकते हो कोई भी स्किन नहीं है मेरी गन में। तो मैं आपको विदाउट स्किन ही यूज़ करके बताऊंगा और विदाउट स्किन में ही आपको डिफरेंस बताऊंगा कि अटैचमेंट और विदाउट अटैचमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए चलते हैं सीधे हम हमारे टारगेट जोन में, और एकदम पास से हम शूट करेंगे। देख सकते हो आप लोग जितना पास हो सके, जितना पास आ गया हो मैं, तो यहाँ से आपको रेंज का अंदाजा लग जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका हेडशॉट का डैमेज, कि हेडशॉट का डैमेज कितना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हेडशॉट मारूं, मैं हेडशॉट मारने में अच्छा नहीं हूं। तो देख सकते हो आप लोग कितना डैमेज मिला, तो 170 का डैमेज मिला, और बॉडी शॉट में देख सकते हो आप लोग 31 का डैमेज मिल रहा है हमें बॉडी शॉट में। तो एक बार इसका रेट ऑफ फायर चेक कर लेते हैं हम लोग, तो मैं पूरे मैगजीन खत्म कर दूंगा गाइस, देख सकते हो आप लोग। तो एक्यूरेसी पर आप ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेसी इसकी कैसी है, पूरी गोलियां कुछ टाइम बाद इधर उधर जाने लग जाती है। तो ये थोड़ी सी इसमें ड्रॉबैक है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे सही कर सकते हो विदाउट एनी गन स्किन। तो अब मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि जूम करके आपको एक रेट ऑफ फायर का अंदाजा लग जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग, इसमें भी आपको बंदूक की गोली दिख रही होगी किधर लेफ्ट और राइट कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है, ये हो रहा है इसके रिकॉइल की वजह से। तो यार इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हमें कि हमारी गोलियां मिस करने लग जाती है। बट गाइस देख सकते हो इसका जो अटैचमेंट आता है जिसका नाम है स्पायरल चार्जर, M60 का स्पायरल चार्जर आता है अटैचमेंट, मोस्टली गन के साथ आपको मिल जाता है। तो फिर से मैं एकदम क्लोजेस्ट आ गया हूँ, स्पायरल चार्जर मैंने लगा लिया है। और सबसे पहले मैं आपको हेडशॉट का डैमेज दिखा देता हूँ कि डैमेज में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे डैमेज में कोई चेंज नहीं होगा, देख सकते हो 170 और 31 का डैमेज हमें वापस से फिर से मिला है। अब मैं आपको इसका रेट ऑफ फायर दिखा देता हूँ, तो पहले विदाउट स्कोप दिखा रहा हूँ। तो गाइस अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका रेट ऑफ फायर देख सकते हो, रेट ऑफ फायर स्लाइटली इंक्रीज होता है, ज्यादा इंक्रीज नहीं होता पर स्लाइटली रेट ऑफ फायर इंक्रीज होता है। बट एक्यूरेसी गाइस, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, मतलब बीच में आप देखिएगा थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्ट होती है बट फिर मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेट गोलियां जाती है। देख सकते हो आप लोग, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ स्कोप करके, आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये बीच में डिफ्लेक्ट होती है, फिर से देखो वापस से वो सेंटर पॉइंट पर आके गोलियां सारी स्ट्रेट गोलियां जाती है। तो गाइस इससे आपको लॉन्ग रेंज की बैटल में बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा, ड्रैग में डेफिनेटली ये चीज़ इंपॉर्टेंट करती है, तो ड्रैग इससे पड़ने का चांसेस है बट ज़्यादा रेंज में। आप सोचोगे मैं पास में ड्रैग मार सकता हूँ तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, बट लॉन्ग रेंज में अगर आपने ड्रैग मारा ना तो इससे डेफिनेटली हेडशॉट आपको मिलेगा। सो गाइस ये होगी लॉन्ग रेंज की गन। अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड गन की तरफ, जो कि वो भी एक बहुत ही जहर गन होने वाली है विथ उसके अटैचमेंट। तो चलिए हम हमारी सेकेंड गन को इक्विप करते हैं, तो वो होने वाली शॉर्ट रेंज की गन गाइस। तो शॉर्ट रेंज की गन में आप चाहो तो शॉर्ट गन यूज़ करते हो डेफिनेटली, बट यार कुछ लोग होते हैं जो MP40 लवर होते हैं बट MP40 की स्किन नहीं है तो क्या करें। तो गाइस सेकंड ऑप्शन है MP5। MP5 गाइस लिटरली बोल रहा हूँ मैं, अपडेट के बाद और अटैचमेंट आने के बाद बहुत ही अच्छी गन स्किन हो गई है, गन हो गई है, गन स्किन नहीं। तो देख सकते हो कोई स्किन मैंने इक्विप नहीं कर रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको विदाउट स्किन यूज़ करके बताऊंगा इसका रेट ऑफ फायर और इसका डैमेज, इसमें हमें कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो गाइस
जितना क्लोजेस्ट हो सकता है मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले हेडशॉट डैमेज देखते हैं, हम हेडशॉट डैमेज कितना मिलता है MP5 से हमें। तो मिला है 126 का हेडशॉट डैमेज और बॉडी डैमेज हमें मिलता है 23-23 का। तो गाइस 23-23 या 28-25 तक भी जाता ही है, अभी रेंज में कम दिखा रहा है। अब इसके रेट ऑफ फायर देख सकते हो आप लोग, रेट ऑफ फायर बहुत ही तगड़ा है इसका, बट एक्यूरेसी में थोड़ी सी मात खा जाती है, एक्यूरेसी थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है। बट इसकी वजह से गाइस ड्रैग बहुत इजीली पड़ता है इसमें, हेड बहुत आराम से लग जाता है इसकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम में। तो इसलिए मुझे पर्सनली MP5 पसंद है, मैं क्लैश स्क्वाड रैंक में सेकंड राउंड में MP5 ही लेता हूँ। टॉमी वगैरह शॉटगन छोड़ के मैं MP5 ही लेता हूँ, मुझे बहुत एडवांटेज मिलता है इससे। अब हम इसका इक्विप करते हैं इसका स्पेशल अटैचमेंट जो कि इसका इलेक्ट्रिकल बूस्टर। तो इससे गाइस क्या एडवांटेज मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इससे एडवांटेज ये मिलेगा कि इसका रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा और बहुत ही मतलब अच्छा खासा रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है, जितना स्किन से भी शायद नहीं बढ़ता होगा। तो देख सकते हो आप लोग मैंने इक्विप कर लिया, डैमेज में अभी भी कोई डिफरेंट नहीं आएगा। मैं आपको पहले डैमेज दिखा देता हूँ। तो डैमेज 126 का हेड पे और बॉडी पे 23-23 का ही हमें देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं इसका रेट ऑफ फायर। तो गाइस आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाता हूँ इसका मैं रेट ऑफ फायर का। तो देख सकते हो आप लोग, आपको रेट ऑफ फायर कितना फास्ट था, रेट ऑफ फायर इसका कितना फास्ट था। अब मैं आपको स्कोप करके दिखाता हूँ, तो ये भी साइड बाय साइड आप देख सकते हो कि कितना फास्ट रेट ऑफ फायर हो गया इसके अटैचमेंट की वजह से। और ये भी इस वजह से ड्रैग के लिए, हेडशॉट के लिए बहुत ही कैपेबल गन हो जाती है। मतलब आप डेफिनेटली से बहुत आसानी से ड्रैग मार सकते हो और M1887 से बच भी सकते हो, क्योंकि इसकी रेंज M1887 से बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके सामने वाले के पास M1887 और आपके पास MP5 है, तो डेफिनेटली MP5 वाले की होगी विन, अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करके ड्रैग करो तो इजीली आप लोग M1887 को हरा दोगे। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारी थर्ड गन के ऊपर, ये भी हमारी लॉन्ग रेंज की गन होने वाली है। ऑब्वियसली यार लॉन्ग रेंज में लोग ज़्यादा फाइट करना पसंद करते हैं, तो ये लॉन्ग रेंज की गन होने वाली है जो कि होने वाली है हमारी M14। तो गाइस ये एक टाइम की गेम की सबसे बेस्ट गन होती थी, लोग मतलब छोड़ते नहीं थे इस गन को जब भी उन्हें मिलती थी। पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद थी, बट जैसे ही इसमें टैप टैप वाला फीचर आ गया ना, तब से ये यूज़ करना मैंने बंद कर दिया। बट गाइस अब फिर से ये बहुत ऑसम हो गई है। अभी देख सकते हो मैंने कोई स्किन नहीं लगा रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको डैमेज दिखाता हूँ। तो गाइस हेड का डैमेज आपको सबसे पहले दिखाता हूँ मैं। तो हेड का डैमेज देख लेते हैं हमें कितना मिल रहा है। तो 319 का, 319 का हेड का डैमेज है और 58 का बॉडी डैमेज है। तो मतलब बहुत ही ऑसम डैमेज है इसका, डैमेज के मामले में इससे अच्छा कोई नहीं है। तो अब इसका हम बात करी जाए अब इसका रेट ऑफ फायर की। गाइस तो टैप टैप वाली गन है, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ फायर इसका बहुत ही स्लो होने वाला है। देख सकते हो आप लोग मैं फायर कर रहा हूँ जितना हो सके, इतनी जल्दी जल्दी टैप कर रहा हूँ, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे इसका रेट ऑफ मतलब मैगजीन पूरी कंप्लीट करने में। और रेट ऑफ फायर तो बहुत ही स्लो है, बट एक्यूरेसी में गाइस एकदम मस्त एक्यूरेसी है, सारी एक ही पॉइंट पर गोलियाँ पड़ेंगी। तो यार ये गन बहुत ही ऑसम गन है। और गाइस इसे आप स्कोप इन स्कोप आउट करके अगर मारना चाहो ना, तो बहुत इजीली मार सकते हो। चार गोली और सामने का एनिमी ढेर, सिर्फ चार गोली काफ़ी है इसकी। अब हम चलते हैं इसका अटैचमेंट इक्विप करते हैं। तो अटैचमेंट है इसका रेज कोर। तो रेज कोर से गाइस क्या होता है, रेज कोर से इसका रेट ऑफ फायर बढ़ता है और साथ ही साथ आपको टैप टैप नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ बटन दबा के रखोगे और ये फायर करेगी। तो देख सकते हो मैं जितना क्लोज हो सका हूँ फिर से आ गया हूँ। सबसे पहले डैमेज फिर से देख लेते हैं चेंज होता है या नहीं। तो नहीं हुआ गाइस, डैमेज में कोई चेंज नहीं आया, सेम वही डैमेज हमें देखने को मिल रहा है। अब हम इसके रेट ऑफ फायर की देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप, रेट ऑफ फायर ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल रेट ऑफ फायर है। चलो ऑलमोस्ट तो नहीं, पर हाँ यार बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ फायर बढ़ चुका है इस अटैचमेंट की वजह से। और इसलिए गाइस ये गन बहुत ही तबाही मचा देती है गेम के अंदर। अगर आप इसको अपने रेज कॉइल के साथ यूज़ करोगे तो गाइस एनिमी मतलब छुप भी नहीं पाएगा, आप इतनी जल्दी उसको मार दोगे। एंड सबसे मेन थिंग की बात ये है कि यार इसकी रेट ऑफ फायर वाली स्किन है ना, मोस्टली लोगों के पास है। अगर नहीं है आप लोगों के पास तो यार कोई बात नहीं, आप रेज कॉइल के साथ भी यूज़ करोगे तो रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस ये वन टैप के लिए गाइस बहुत ही अच्छी गन है। एक गोली और सामने वाला एनिमी खत्म, अगर आप वन टैप में एक्सपर्ट हो तो डेफिनेटली आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। मैंने यूज़ करी ये वन टैप में और यार मुझे बहुत ही अच्छा मुझे इससे परफॉर्मेंस मिला है। तो गाइस अभी मैंने आपको सिर्फ 3 गन्स बताई हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो विदाउट गन स्किन, और वह भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ में, कि आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि यार आपके पास गन स्किन नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी एक और वीडियो बताऊं जिसमें आपको मैं Kar98 ओम प्लाज्मा गन एंड VSS के बारे में एक्सप्लेन करूं कि उसके अटैचमेंट से आप लोग क्या कर सकते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं उसके लिए भी आपको एक अपडेट बताऊंगा और कुछ टिप्स बताऊंगा उन गन्स के लिए भी कि कैसे उनको आप परफेक्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो।
तो ये बेसिकली डेडिकेटेड थी वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास गन स्किन नहीं होती है या पैसे वो वेस्ट करना नहीं चाहते गेम के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे लगाने ही पड़े, बिना गन स्किन के भी आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। और इस वीडियो में मैं यही साबित करना चाहता था, और इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कौन सी गन आपके लिए बेस्ट हो सकती है, भले आपके पास गन स्किन हो या ना हो। तो गाइस इस वीडियो में यही रैपअप करते हैं। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है कि नहीं। सो गाइस बाय बाय। Raindrop, drop top, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Cooking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot.